नमस्कार, मैं हूं दिबांग। दुनिया के कई देशों में कोविड 19 के खिलाफ तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन से उम्मीद की लहर है, लेकिन ब्रिटेन में वायरस के बदलते चरित्र ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दी है। सवाल है, कितना घातक है ये स्ट्रेन? भारत में इसके खिलाफ क्या तैयारी है? क्या मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ काम करेंगी और कहां से है उम्मीद? आज होगी बात। रविवार को यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ, जिनमें शामिल हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और चेक रिपब्लिक। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ओमान, सर्बिया, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में भी वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। इधर भारत में भी तैयारी है। सोमवार और मंगलवार को देश के 4 राज्यों के 2 जिलों में डमी वैक्सीनेशन एक्सरसाइज होगी। कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उम्मीद कहां से है ये बताऊंगा आगे। पहले वो बात जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता है, बात ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की। इसका पहला मामला ब्रिटेन में सामने आया सितंबर में और पड़ताल के बाद जानकारी मिली दिसंबर में। वहां बहुत देर से सरकार ने इसको रोकने के लिए पाबंदियां लगाई। बड़ा सवाल, आखिर कितना घातक है ये वायरस, ये समझेंगे आगे। पहले आखिर क्यों बदलता है ये वायरस? एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक ये वायरस महीने में 2 बार म्यूटेट करता है। ये समझने वाली बात है। ये आरएनए वायरस है। वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो उस पर हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का दबाव पड़ता है और वायरस का आरएनए बदल जाता है, जिससे वो म्यूटेट होता है। अब आखिर कितना खतरनाक है ये वायरस? दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है। तभी एक के बाद एक दुनिया के देशों में ब्रिटेन से आ रही उड़ानों पर पाबंदी लग रही है। ब्रिटेन में वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। एक बात साफ है, वायरस का ये स्ट्रेन फैलता बहुत ज्यादा है। ये पिछले रूप से 70% ज्यादा फैलता है। इसलिए जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं उनके लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। एक और बड़ी बात, यह बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। कोविड 19 के खिलाफ वैक्सीन बना रही कंपनियों एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और बायोएनटेक ने कहा है कि उनकी वैक्सीन वायरस के खिलाफ काम करेगी। WHO के मुताबिक इस बारे में अभी जांच चल रही है। वैज्ञानिकों की एक बात है जिससे उम्मीद बनती है। इसके मुताबिक वायरस जब म्यूटेट करता है तो वो या तो ज्यादा घातक हो जाता है या फिर ज्यादा फैलता है। क्योंकि ये वायरस ज्यादा फैल रहा है, इसलिए संभव है ये ज्यादा घातक न हो। भारत में 10 राज्यों में ब्रिटेन से आए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ताजा मामला बरेली से है। उन सब के सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं ताकि ये जांच हो सके कि उनमें वायरस का नया स्ट्रेन है या नहीं। इसके साथ ही पिछले 25 दिन में यानी 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक ब्रिटेन से आए लोगों की सूची तैयार की गई है। उनमें जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। और अब बात उम्मीद की। आशा है आने वाले हफ्ते में ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की हरी झंडी मिल जाएगी। और दूसरी बात, बड़ी बात है कि ऐसी दवा बन रही है जिससे जो लोग इस वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं यानी जिनको कोरोना है उनमें दवा लेते ही एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। इस बारे में विस्तार से बताऊंगा आगे। आप भी चाहें तो अपने सुझाव, अपने संदेश कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, वो भी देखेगा। आप चाहे तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @dibang, DIBANG। धन्यवाद।